नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेज़न हॉल। तो एज यू ऑल नो कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो हम लोग बाहर शॉपिंग करने तो नहीं जा रहे हैं एंड आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रहे होंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन मंगवाई हैं अपने घर के लिए, जो कि आई थिंक आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी और डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं एंड मैं इनको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। सो आई थॉट टू शेयर विथ यू ऑल, बिकॉज जब मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए काफ़ी सारे लोग पूछते हैं आपने ये कहाँ से लिया वो कहाँ से लिया। तो ये वाला जो वीडियो है ये अमेज़न हॉल पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें मैं कुछ तकरीबन 10 प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा एक और पार्ट 2 आएगा, उसमें भी मैं प्रोडक्ट्स इंक्लूड करूंगी बिकॉज मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। सो यस, विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये बैम्बू ट्रे। तो एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि ये जो ट्रे मैंने ऑर्डर करी है ये इतनी बड़ी साइज़ की ट्रे आएगी। लाइट वेट है बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी स्टर्डी है। बहुत इजीली आप इसमें गर्म चीज़ें और यू नो बहुत सारा सामान आप इसमें रख के सर्व कर सकते हो। तो बेसिकली अभी तो हमारे घर में कोई आता नहीं है बट यूजुअली हम दोनों ही जब बैठते हैं बेड पे बैठते हैं या कहीं पर भी बैठते हैं तो हम हमारा पूरा ब्रेकफास्ट इसके ऊपर रख लेते हैं। प्लेट्स इसमें आ जाती हैं और आराम से बैठ करके इवनिंग स्नैक और हम नेटफ्लिक्स चिल करते हैं। सो काफ़ी अमेजिंग सी ट्रे है एंड प्राइस वाइज मुझे लगा था 599 की एक छोटी सी ट्रे आएगी बट प्राइस वाइज ये काफ़ी अच्छी है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रोडक्ट, ये अगेन किचन असेंशियल ही है। तो ये है हम लोगों का सेकंड प्रोडक्ट, इसका नाम है ग्लेन। तो बेसिकली ये चॉपर है एंड मिनी चॉपर आप इसको बोल सकते हो, बहुत फाइन चॉपिंग करता है। आपको बड़े चॉपिंग करना है, सब्जियों का थोड़ा बड़ा टुकड़ा रखना है तो आप वैसे कर सकते हो, बारीक चॉपिंग चाहिए तो आप वैसे कर सकते हो। मेरे पास एक्चुअली एक मैनुअल चॉपर था बट वो थोड़े दिन पहले उसका जो थ्रेड है वो थोड़ा सा टूट गया था। हालांकि वो 299 का था एंड ऑनलाइन भी वो ऑलमोस्ट 299-399 में मिलता है बट मुझे काफ़ी टाइम से मन था कि मैं इलेक्ट्रिक मिनी चॉपर ले लूँ बट पहले मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने तब वो ले लिया था मैनुअल चॉपर। तो ये इलेक्ट्रिक चॉपर है, काफ़ी अमेजिंग सा है। तो क्या होता है इसमें, आप इसको यहाँ से इसे अलग कर सकते हो, ये इसकी मशीन है, आप इसको रख दीजिए एंड ऊपर सिर्फ एक नॉब है तो आपको इसको प्रेस करना होता है चलाते टाइम ये इस तरह से, दैट्स इट। और उसके बाद इसमें एक ये कवर है तो ये आप वॉश कर सकते हैं, ये आप इजीली वॉश कर सकते हैं एंड एक ये कंटेनर है जिसमें ये चॉपिंग ब्लेड आई है मेरे पास। इसके साथ एक और कंटेनर आया है लाइक दिस, तो इस कंटेनर में इस तरह से कवर है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। दिस इज़ माइक्रोवेव फ्रेंडली एज वेल, आप इसको गर्म भी कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर एक विस्किंग वाला टूल आया हुआ है तो आपको अगर आप एग खाते हैं तो उसके लिए, उसके बाद आप केक बना रहे हैं या आप दही, आपको लस्सी बनाना है, कॉफ़ी बनाना है तो उसके लिए यह विस्किंग वाला काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इसमें भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं तो अभी तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हार्डली 10 ही हुए हैं इसको आए हुए बट बाई फार अभी तो आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज ये किचन में बहुत हेल्पफुल है। वॉश करना भी बहुत ईजी है, जैसे वो वाला चॉपर आप वॉश करते हो उसी तरह से इसको वॉश करना होता है, बस पानी में नल के नीचे मैं टैप वाटर में धो देती हूँ इसको एंड ईजिली वॉश हो जाता है, कुछ भी इसमें फंसने वगैरह का डर नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स में ऑलरेडी मैं जबकि शेयर कर चुकी हूँ बट स्टिल मेरे पास इन हेयरबैंड्स को लेकर के बहुत रिक्वेस्ट आती है एंड आई नो बिकॉज ये वाले जो इस तरह के हेयरबैंड्स हैं ये H&M, ज़ारा और भी बड़ी बड़ी शॉप्स में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं बट मैंने ये बहुत सस्ते परचेज करे थे और ये अमेजन से परचेज करे थे। आई वॉज नॉट श्योर विद द क्वालिटी बट इनकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग आई है। इनके अंदर कोई भी इलास्टिक यूज़ नहीं किया गया है जिसकी वजह से ये सर पे बहुत लाइट वेट फील होता है एंड ये काफ़ी अच्छे से बालों को होल्ड करता है बिकॉज आई हैव प्रीटी लॉन्ग हेयर और मेरे बाल काफ़ी थिक एंड हैवी भी है तो ये आराम से मेरे बालों को होल्ड कर लेता है। तो एक तो मेरे पास ये दो साथ में आए थे, मतलब ये दो का सेट मेरे पास आया था एंड दोनों को मैं भयानक तरीके से यूज़ करती हूँ, आपने देखा ही होगा मेरे को ब्लॉग्स में। और एक और रिसेंटली मैंने ये मंगवाया है, ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी सारी बार में जब भी मैंने लिंक शेयर करा है मुझे आउट ऑफ स्टॉक ही मिला है बट ये प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल है, स्टॉक में है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। काफ़ी थिक मटेरियल है एंड ये दो बैंड है, मतलब ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है एंड 250 के हिसाब से आपको ये मॉल्स में या किसी भी अच्छे ब्रांडेड स्टोर पर कभी नहीं मिलेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लगता बहुत अच्छा है बालों पे एंड बाल आप चाहे तो जब आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है इसके लिए. नेक्स्ट प्रोडक्ट है, अगर आप यूट्यूबर हैं या आप ब्लॉगर हैं, आई नो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो ब्लॉगिंग एंड यूट्यूबिंग भी करते हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है. ये है मैनफ्रोटो का ट्राईपॉड एंड बहुत ही स्टर्डी एंड अमेजिंग क्वालिटी का ट्राईपॉड है. अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ये एक इस तरह का प्रोडक्ट है जो आपके पास होना ही होना चाहिए. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये कैमरे को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है, इनफैक्ट ये मोबाइल को भी बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है. सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. और अभी तो मुझे इसको यूज़ करे हुए ऑलमोस्ट 3 months ही हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पर ये मुझे बहुत पसंद है. अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली इसको ही यूज़ करती हूँ. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे भी अगर हाथ में कैमरा पकड़ी हुई हूँ तो मैं इसको यूज़ करती हूँ. इसकी स्टेबिलिटी, कैमरे को ये स्टेबिलिटी बहुत अच्छी देता है. आपको मूविंग शॉट्स लेने हैं तो आपका जो कैमरा है वो ऐसे हल्का सा जो शेकिंग वाली जो इफेक्ट आती है वो नहीं आएगी इसके थ्रू. इसकी क्वालिटी रियली काफ़ी अच्छी है. तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये प्रोडक्ट. दिस इज़ अ प्लानर. और मेरे पास इस तरह का प्लानर ऑलरेडी एक था जो कि मैंने 1.5-2 साल पहले परचेस किया था, आई थिंक जब मैं अलीसा सूजा के प्लानर यूज़ नहीं करती थी तब मैंने परचेस किया था. और दूसरा प्लानर मैंने इस साल के स्टार्टिंग में आई थिंक फेब्रुअरी में मैंने मंगवाया था, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था बिकॉज मैं अलीसा का प्लानर यूज़ कर रही थी. बट आई रियली लव दिस प्लानर. फर्स्ट ऑफ ऑल पिछला वाला भी मेरे पास यही प्रिंट का था और अभी वाला भी मेरे पास यही प्रिंट का है. मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो प्लानर्स हैं उसमें कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट यूज़ हो ताकि मुझे काफ़ी पॉजिटिव हैप्पी वाइब्स आए. मुझे ब्राइट कलर्स देख के काफ़ी अच्छा लगता है. तो काफ़ी ब्यूटिफुल सा इसमें प्रिंट्स वगैरह दिया हुआ है. तो यहाँ पर मैंशन है माई डेली प्लानर. आप यहाँ पर डेट यूज़ कर सकते हैं एंड किस दिन आप बना रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं. देन यहाँ पर टुडे स्केड्यूल, आप प्रॉपर विथ टाइमिंग के साथ अपना स्केड्यूल लिख सकते हैं. एंड देन यहाँ पर टू डू लिस्ट है आप, जो कि यहाँ पर बहुत आराम से मेंशन कर सकते हैं. कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पर नोट्स दिए हुए हैं. यहाँ पर इंपॉर्टेंट ईमेल्स एंड कॉल्स आपको किस किस का अटेंड करना है वो दिया हुआ है. देन यहाँ पर मील है, एक्सरसाइज है एंड कोट ऑफ द डे, आपका परफॉर्मेंस ऑफ द डे आपने कैसे किया है. तो आई थिंक एक प्लानर में यूजुअली यही चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज मैं पिछले कुछ दिनों से इसी प्लानर को यूज़ कर रही हूँ. अपना जो टाइम टेबल है, अपना जो भी मेरा स्केड्यूल बिगड़ा हुआ है उसको टाइम पे लाने के लिए, एंड आई टोटली लव्ड इट. तो मैं इस तरह से अभी मैनेज करती हूँ. मैंने यहाँ पर पूरा अपना स्केड्यूल बना करके रखा हुआ है एंड यहाँ पर मेरा टू डू लिस्ट है और यहाँ पर मेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है. एंड इन केस अगर मुझे नोट्स लिखना होता है या मुझे कोई पॉइंटर्स लिखने होते हैं, पॉइंटर्स भी मेंशन करके हुए हैं, तो मैं इस तरह से लिखती हूँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये बहुत बजट फ्रेंडली है. आप मार्केट में देखोगे तो आपको कोई भी प्लानर्स 500 रुपये से कम का तो कुछ नहीं मिलने वाला है. ये मैंने खरीदा था 285 रुपीज में, सेल में मैंने परचेस किया था. मुझे अभी नहीं पता इसका प्राइस क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक जरूर करिएगा. नेक्स्ट आते हैं, एक यूटिलिटी प्रोडक्ट है. तो ये मैंने अपनी वार्डरोब के लिए मंगवाए थे. इस तरह के 3 है मेरे पास ऑलरेडी. तो ये कैसा है, ये कपड़े का है एंड स्टोरेज बॉक्स आप बोल सकते हो. बेसिकली ये मेंस कवर्ड के लिए बोला जाता है इसको, कि आप इसमें शर्ट्स को जमा के रख सकते हैं. तो ऐसे ये ओपन होता है एंड ये आप यहाँ पर इसको लगा दीजिए लाइक दिस. ये हो गया स्टडी. ओके, तो आप यहाँ पर आपके हस्बैंड के, आपके भाई के, आपके पापा के यहाँ पर शर्ट्स आप जमा के रख सकते हैं एंड एक एक करके आप इजीली निकालेंगे, यहाँ से आपको दिखेगा. बट मैं इसको यूज़ करती हूँ, अपने टॉप्स रखती हूँ मैं यहाँ पर और अपने टॉप्स को यहाँ पर रख के रखती हूँ और निकालती हूँ. तो काफ़ी हैंडी सा है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि आप इसको फोल्ड करके कभी भी रख सकते हो कहीं पर भी एंड काफ़ी यूजफुल है. मुझे पसंद है ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करना एंड प्लास्टिक फ्री ऑर्गेनाइजर है ये. तो मैंने इस तरह के 3-4 मंगवाए थे, जो कि 2-3 को तो मैं यूज़ कर रही हूँ. ये एक मेरे पास स्पेयर में है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं विकी के कबर्ड के लिए दे दूंगी अगर उसको इन केस चाहिए होगा तो. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था, ये अपने ब्लॉग में भी शेयर किया था, सेंटर टेबल. मुझे अपने हॉल के लिए एक कॉम्पैक्ट सी बट स्टर्डी सी सेंटर टेबल चाहिए थी, जो काफ़ी स्लीक सी भी हो, बल्की भी ना लगे एंड दिखने में भी अच्छी हो और थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो. तो मुझे ये वाला सेंटर टेबल दिखा एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस सेंटर टेबल. जब मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किया था, उसी के 10 डेज के अंदर अंदर काफ़ी सारे लोगों ने उसको मंगवा भी लिया था. जिन लोगों ने मंगवाया उन्होंने अपनी सेंटर टेबल की पिक्चर भी मेरे साथ शेयर करी. तो ये बहुत अमेजिंग लगती है, बहुत प्यारी लगती है एंड घर पर रखी हुई बहुत अच्छी लगती है. किसी भी तरह का आपका घर हो आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टर्डी सी है, बड़ी है साइज़ में एंड दिखने में बहुत अच्छी लगती है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बजट फ्रेंडली है. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों ने मंगवाया है वो है अमेज़न बेसिक्स का ये कीबोर्ड. तो बेसिकली ये कीबोर्ड विकी यूज़ करता है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ. उसको जनरली काम करने के लिए कीबोर्ड चाहिए होता है. तो इफ़ यू आर समवन जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आपके हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप ये कीबोर्ड मंगवा सकते हैं. ये अमेज़न बेसिक्स का है
एंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको विक्की लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रहा है। पहले उसके पास दूसरा कीबोर्ड था बट वो ख़राब हो गया था, तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है। बहुत स्टर्डी है एंड बहुत ऑन पॉइंट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मैंने मंगवाया है ये जूट का कवर। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा जूट का कवर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये बेसिकली हैंडमेड कवर्स हैं एंड काफ़ी बेजिश टाइप का जो जूट का कलर होता है उस तरीके का है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अभी मेरे हॉल लिविंग रूम में यही कवर्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मैंने 2 सेट मंगवाया था, प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा था। ये 250 या 280 रुपीज़ में मुझे 2 कवर्स इस तरह के मिल गए थे। सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट और काफ़ी न्यूट्रल सा, आप इसके ऊपर इवन पेंट कर सकते हैं। इस तरह के कपड़े के ऊपर आराम से पेंट चढ़ जाता है, तो मैंने एक्चुअली पेंट करने के लिए ही मंगवाया है। बट जब ये आया तो मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं अभी इसको ऐसे यूज़ कर रही हूँ। जब मेरा मन भर जाएगा तो आई डेफिनेटली गोइंग टू रीयूज इट। मैं इसको पेंट करके कुछ नया लुक दे दूंगी एंड देन फिर उसको रीयूज कर लूंगी। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हम लोगों ने मंगवाया है वो है विक्की का प्रोडक्ट। ये है फिलिप्स का सीरीज 3000 बियर्ड ट्रिमर। तो विक्की के पास जो पहले से ट्रिमर था, बियर्ड ट्रिमर था, वो 7 ईयर्स ओल्ड था एंड बर्बाद हो चुका था, वो ऑलमोस्ट खराब हो चुका था, उसकी ब्लेड्स वगैरह सब खराब हो गई थी। सो उसने ये वाला ट्रिमर मंगवाया है। 1 से लेकर 10 तक की इसमें सेटिंग्स दी हुई है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि ये किस चीज़ की सेटिंग्स है, बट हाँ विक्की की जो हेयर कटिंग है, हेयर ट्रिमिंग है, वो मैं इससे कर चुकी हूँ और उसके बाद वो बियर्ड वगैरह के लिए भी यूज़ करता है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है, फिलिप्स का प्रोडक्ट है एंड इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी अमेजन पे, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट परचेज किया था। तो ये था इस हॉल का लास्ट प्रोडक्ट। इसका जो पार्ट 2 आने वाला है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो मेन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने बचा के रखे हुए हैं पार्ट 2 के लिए। सो यस, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो या आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स दी रहेगी, चेक जरूर करिएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।